गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास फोर्थ की 27 फरवरी की जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 180 रहेगा। और बच्चों, ये आपकी यूनिट 8 रहेगी, गोइंग टू बाय ए बुक चैप्टर का नाम रहेगा और पेज नंबर 139 से 142 के बीच में आज हम पढ़ेंगे। तो डियर चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग अलाउड द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में भी गोइंग टू बाय ए बुक के बारे में पढ़ा था कि जब दादाजी पैसे दे देते हैं तो ये बच्चे जो है किताब खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि ये बड़ी दुकान पे जाएंगे छोटी दुकान पे जाएंगे। सब मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में पढ़ाया था। तो लेट अस रीड ए कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्रदर एंड हिज सिस्टर बिफोर दे विजिट द बुक स्टोर। तो चलिए अब हम भाई और बहन के बीच में बातचीत को पढ़ लेते हैं। जब वो बुक स्टोर पर जाने से पहले उनकी क्या बात होती है। तो ब्रदर कहता है कि आई विल बाय ए बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, मैं एक ऐसी किताब खरीदूंगा जो कि पिक्चर से भरी हुई होगी। तो सिस्टर, बहन क्या कहती है कि आई एम नॉट श्योर, मैं पक्के से नहीं कह सकती कि वेदर टू बाय ए बुक ऑन वॉर और ऑन एनिमल्स, कि मैं एक ऐसी किताब खरीदूँ कि वो जो युद्ध से भरी हुई हो, पिक्चर से या फिर एनिमल से हो, मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ। तो भाई क्या कहता है, व्हेन विल वी गो टू द मार्केट, कि जब हम बाजार जाएंगे। तो सिस्टर कहती है कि फर्स्ट वी विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आवर मदर, सबसे पहले हमें परमिशन लेनी होगी अपनी माँ की, एंड देन गो टू द मार्केट, और फिर बाजार जाना होगा। तो डियर चिल्ड्रन, इन ए सेंटेंस व्हेन एन एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू हैपन लेटर और गोइंग टू हैपन लेटर, कि जब कोई एक्शन बाद में होने वाला होता है ना, तो इट इज़ सेट टू बी इन फ्यूचर टेंस। तो हम ये कहते हैं कि वो फ्यूचर टेंस है। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं तो बाजार जाऊंगा, मुझे मम्मी की परमिशन लेनी होगी, मैं कल खाऊंगा, मैं कल स्कूल में ये लेकर आऊंगा। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं, मतलब ये सारे सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं, जिसमें हमारा गा गे गी आता है, जो हम बाद में एक्शन करेंगे वो फ्यूचर टेंस होता है। लाइक इन द अबव कन्वर्सेशन द ब्रदर एंड द सिस्टर आर प्लानिंग टू बाय बुक समथिंग लेटर। तो इस सेंटेंस में भी, इन कन्वर्सेशन में भी हमने देखा कि भाई और बहन की जो प्लानिंग है किताब खरीदने के लिए, वो बाद की प्लानिंग है। तो पहले से क्या हो रहा है कि हम खरीदेंगे, तो ये सेंटेंस बच्चे हमारे फ्यूचर टेंस के होते हैं। तो इन द सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज विल विद द वर्ब एक्शन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल विल विजिट, विल ईट, विल ओपन एक्सेट्रा। तो इसमें बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरह के फ्यूचर टेंस में हम लोग अब क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, और विल के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ विल। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि आई विल डू माई वर्कशीट इन द इवनिंग, मैं शाम के समय अपनी जो वर्कशीट आती हैं वो करूँगी, है ना, करूँगी यानी कि काम बाद में होगा, फ्यूचर में होगा। I will eat porridge for breakfast tomorrow. मैं tomorrow को बच्चों हम आने वाले कल के लिए ही यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में हो जाएगा ये भी, है ना। तो मैं जो है कल porridge खाऊंगी अपने ब्रेकफास्ट में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग विल इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो। देखो अब हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में विल फिल करना है। जैसे माय फादर विल बाय ए बुक ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक ऐसी किताब खरीदेंगे जो कि ए पी जे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में होगी। आई विल वॉच, मैं देखूँगी टॉम एंड जेरी कार्टून शो ऑन टी वी इन द इवनिंग, मैं शाम को है ना टी वी पर टॉम एंड जेरी का कार्टून देखूँगी। प्रिया विल, तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों हम क्या कर देंगे, विल फिल कर देंगे, और विल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रिया विल वाटर द प्लांट्स टुमारो मॉर्निंग, प्रिया जो है कल सुबह पौधों को पानी देगी, तो मतलब फ्यूचर है ये, है ना, काम आगे होगा। तो डियर चिल्ड्रन, डू यू नो डैट टुमारो 28 फरवरी इज़ नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी जो है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रोमन इफेक्ट बाय सर सी वी रमन, फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930, और जिसके लिए बच्चों सी वी रमन को 1930 ईस्वी में
अवार्ड भी मिला था नोबेल प्राइज। दिस डे इज ऑब्जर्व टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अवर कंट्री। तो ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे देश के, कौन? सीवी रमन। इमेजिन इफ़ यू बिकम ए साइंटिस्ट वैन यू ग्रो अप। कल्पना करो कि जब तुम बड़े होंगे और तुम भी साइंटिस्ट हो जाओगे तो जस्ट लाइक अब्दुल कलाम की तरह और सर सीवी रमन की तरह, तो वॉट वुड यू लाइक टू इन्वेंट। तो बच्चों अगर आप साइंटिस्ट हो जाते हो अपने फ्यूचर में अब्दुल कलाम की तरह या सीवी रमन की तरह, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो क्या आप क्या किस चीज़ का इन्वेंट करोगे, किस चीज़ की खोज करोगे? तो आपको तीन सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है बच्चों? विल यूज़ करते हुए आपको तीन सेंटेंस लिखने हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ कि आई विल क्लोज द शॉप। मैं दुकान बंद कर दूंगा या कर दूंगी। आई विल क्लोज द शॉप या आई विल रीड द न्यूज़पेपर देखो बच्चों दोबारा से लिख देती हूँ। I will close द शॉप, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। I will read the newspaper, N-E-W-S, newspaper, P-A-P-E-R, paper, when I go to station लिख लो बच्चों, ठीक है? When I go to station, जब मैं स्टेशन जाऊंगी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। ये सेंटेंस बना लिया। और एक और सेंटेंस आपको बनाना है तो बना लो बच्चों। आई विल पेंट आवर हाउस। मैं पेंट करूंगी अपना घर, है ना बच्चों? तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं बिकम ए टीचर, कुछ भी लिख सकते हैं आप विल यूज़ करते हुए। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विल हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं। देखो बच्चों ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है? साथ ही आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 118 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों से भारत के कुछ महान वैज्ञानिकों जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सीवी रमन आदि की उपलब्धियों के बारे में चार्ट बनाने में सहायता उनकी करें। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।